सरस्वती विद्या मंदिर शारदा विहार भोपाल से मैं विवेक शर्मा प्राचार्य आप सभी अभिभावक का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। सभी को मेरा सादर प्रणाम। सभी पेरेंट्स को आने वाले महापर्व रक्षाबंधन एवं स्वतंत्रता दिवस की अग्रिम हार्दिक शुभकामनाएं। जैसा कि आपको पत्र शारदा विहार द्वारा भेजा गया है, जिसमें 6 तारीख से यानी 6 अगस्त से 13 अगस्त तक बच्चों का रक्षाबंधन अवकाश रहेगा और 16 अगस्त से पीरियडिक टेस्ट 1 है, तो ऐसी स्थिति में आपसे निवेदन है कि 6 तारीख को शाम 3 बजे के बाद ही आप विद्यार्थी को घर ले जा सकेंगे, क्योंकि 16 अगस्त से बच्चों का पीरियडिक असेसमेंट है, इसलिए 13 तारीख की शाम को आप विद्यार्थी को अनिवार्यतः शारदा विहार छोड़ दें। साथ ही आपसे अपेक्षा है कि रक्षाबंधन अवकाश में जब विद्यार्थी घर पर रहेगा तो 16 तारीख को आने वाले एग्ज़ाम की दृष्टि से कुछ ना कुछ विद्यार्थी का स्वाध्याय बना रहे। ये जो पीरियडिक असेसमेंट है इसका वेटेज 5% होता है क्लास 5th to 10th। इसी प्रकार से क्लास 11th के विद्यार्थियों के लिए भी इस पीरियडिक टेस्ट का जो वेटेज है वह 10% है, अर्थात वार्षिक परीक्षा में कक्षा 6 से लेकर के 10वीं तक के जो विद्यार्थी हैं उनके 5% मार्क्स ये एनुअल एग्ज़ाम में ऐड होते हैं। इसी प्रकार से जो 11th के विद्यार्थी हैं उनके भी 10% मार्क्स एनुअल एग्ज़ाम में ऐड होते हैं, इसलिए यह परीक्षा एक कंटिन्यूस इवेल्युएशन का एक प्रोसेस को पूरा करती है। इसलिए विद्यार्थी का समय से विद्यालय में उपस्थित होना, अर्थात 13 तारीख की शाम को उपस्थित रह करके और आने वाली 16 तारीख को परीक्षा में पूरी तैयारी के साथ सम्मिलित होना अनिवार्य है। अभी जो 40 दिन विद्यालय जो लगा, इसमें विद्यार्थियों का शिक्षण और जो सारी अन्य गतिविधियां हैं वह बहुत ही व्यवस्थित और सुचारू रूप से चल रही हैं। बच्चे बहुत आनंद के साथ शारदा विहार की विविध गतिविधियों में भाग लेकर के हर गतिविधि से कुछ ना कुछ सीखते हैं। इसी प्रकार से जो क्लासरूम टीचिंग है या जो स्कूल में जो टीचिंग है सभी विषयों को लेकर के वह भी बहुत गुणवत्तापूर्ण तरीके से आगे बढ़ रही है। बस पीरियडिक असेसमेंट 1 जो है इसमें विद्यार्थी अच्छा करें, इसमें आपका सहयोग इसलिए आवश्यक रूप से अपेक्षित है कि विद्यार्थी का इसमें वेटेज जो अंकों का है वह जुड़ता है, इसलिए जो निर्धारित डेट आपको दी गई है लाने के लिए और ले जाने के लिए विद्यार्थी को इसका पालन करें। मार्च से जब विद्यालय प्रारंभ हुआ था और उसके बाद समर वैकेशन के बाद फिर से विद्यालय प्रारंभ हुआ, जिसकी दिनांक 15 जून को विद्यालय में विद्यार्थियों को उपस्थित होना था, लेकिन देखने में आया कि कुछ विद्यार्थी विलंब से आए, तो इसमें मेरा आप सभी पेरेंट्स से निवेदन है कि CBSE के शेड्यूल के अनुसार सभी विषयों के लिए पीरियड एकेडमिकली फिक्स होते हैं और विद्यार्थी अगर देर से आता है तो उसकी पढ़ाई पर बहुत गंभीर असर पड़ता है। वैसे भी 2 साल के कोरोना के लॉकडाउन में स्कूल व्यवस्थित रूप से साल भर, 1 साल तो बिल्कुल भी नहीं लगा, लेकिन दूसरे साल भी इसमें कंटिन्यूटी नहीं रही, तो बहुत सा बच्चों का पढ़ाई का नुकसान हुआ है। ऐसी स्थिति में भी विद्यार्थी अगर देर से आता है या स्कूल प्रारंभ होने के 10-15 दिन 8 दिन बाद जो विद्यार्थी कुछ आए पिछले समय में, तो उनका काफ़ी लॉस होता है पढ़ाई में। तो आने वाले समय में मेरा आप सभी से निवेदन है कि विद्यार्थी समय से शारदा विहार में जो आपको सर्कुलर भेजे जाते हैं स्कूल के द्वारा, बच्चे समय से आएँ
और जो विद्यार्थी समय से नहीं आते हैं उनका बहुत पढ़ाई को लेकर के नुकसान होता है। ऐसी स्थिति में संस्था ने ये निर्णय लिया है कि लेट आने वाले विद्यार्थियों को कुछ ना कुछ पेनल्टी जरूर देना होगी। इसलिए जो निर्धारित डेट आपको दी गई है लाने के लिए और ले जाने के लिए विद्यार्थी को, इसका पालन करें।